जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर का परिवार इस वजह से बहुत ज़्यादा उदास है कि लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने उन्हें मुखाग्नि दी। लेकिन अब जब काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही है लता मंगेशकर जी के निधन के बाद, लोग कह रहे हैं कि मेमोरियल बनाना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि म्यूज़िक इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, तो इस पर अब लता मंगेशकर के जो ब्रदर हैं यानी कि उनके भाई हैं हृदयनाथ मंगेशकर, उन्होंने जो पॉलिटिक्स में भी हवा उड़ रही है उस पर भी बात की है और उन्होंने कहा है कि मेरी बहन को लेकर किसी भी तरह का कोई राजनीतिक मुद्दा ना उठाया जाए, किसी भी तरह की कोई पॉलिटिक्स ना की जाए क्योंकि फैमिली अभी इसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। जी हाँ, वही आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक प्रपोजल दिया लता मंगेशकर के परिवार को कि हम उनके नाम पर एक म्यूजिकल इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, वहीं इस लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह लता मंगेशकर जी हमारे साथ जीवित रहे। लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट करे तो, इस लेगेसी को फैमिली सपोर्ट करे तो, जी हाँ, तो आपको बता दें कि हृदयनाथ ने इस बात को स्वीकार किया कि चलिए आप म्यूज़िक इंस्टीट्यूट बना लीजिए लेकिन किसी भी तरह का कोई मेमोरियल आप नहीं बना सकते हैं जब तक फैमिली इसमें कुछ ना कहे। वहीं इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि कोई भी जो डिसीज़न होगा मेमोरियल का वो परिवार से पूछ कर ही होगा, जब तक परिवार इसमें अपनी हामी नहीं भरता है तब तक लता मंगेशकर के मेमोरियल को नहीं बनाया जाएगा और फिलहाल परिवार इसके खिलाफ है, परिवार नहीं चाहता है कि किसी भी तरह का कोई मेमोरियल बनाया जाए। हाँ, म्यूजिक इंस्टीट्यूट के लिए उन्होंने हामी भर दी है। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।